जैसे मैं अभी ना मालदीव गया था तो मैंने क्या किया था, मैंने परफ्यूम खरीदे थे नए, एकदम नए। पिक्चर्स वीडियोस आज यूट्यूब इतना फेमस क्यों है? यूट्यूब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म कैसे बन गया? कैसे बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं आए आए होंगे, लेकिन यूट्यूब ने उस सेंस पर काम किया जो कि किसी ह्यूमन बींग का सबसे पावरफुल सेंस होता है, और वो है क्या? विजन, वीडियोस डायरेक्टली। इसलिए यूट्यूब इतना फेमस है। तो बेसिकली जब आप पिक्चर्स देखते हो, वीडियोस देखते हो, ग्राफिक्स देखते हो, तो आपको ज्यादा याद होता है, आपका दिमाग उस टाइम पे तेज काम करता है, उसको कैप्चर करता है और याद कर लेता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, विजन। मैं अभी ना मालदीव गया था तो मैंने क्या किया था, मैंने परफ्यूम खरीदे थे नए, एकदम नए, और बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट के, जो मैं यूज ही नहीं किया कभी। और पता है मजे की बात, वो पहली बार मैंने मालदीव में ही यूज किया, तो अब वो क्या ना, वो परफ्यूम मेरे लिए मालदीव का परफ्यूम हो गया। आज भी कभी कभार मैं उसको घर पे लगाता हूँ तो मेरे को सीधे मालदीव की यादें ताजा हो जाती। तो बेसिकली हमारे सेंसेस हमारी मेमोरी को सीधे अफेक्ट करते हैं। अगर आप ज्यादा सेंसेस यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका जो ब्रेन है बेसिकली वो ज्यादा अटेंटिव होगा। मतलब अगर आप पढ़ने के साथ साथ आप अपने आंखों से विजुअलाइज भी कर रहे हो, टेस्ट भी कर पा रहे हो होठों से, नाक से सूंघ भी पा रहे हो किसी चीज को, तो ब्रेन बहुत जल्दी उसे कैप्चर करता है। जब आपके सेंसर फुल्ली काम करते हैं तो आपका ब्रेन भी बहुत ज्यादा एक्टिवली काम करता है, और ये बहुत सिंपल सी चीज है।